बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां इनेलो ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। दरअसल सिरसा से संदीप लोट इनेलो के उम्मीदवार होंगे, फरीदाबाद से सुनील तिवतिया इनेलो के उम्मीदवार होंगे, वहीं सोनीपत से अनूप सिंह को चुनावी मैदान में इनेलो की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इनेलो ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। सोनीपत से अनूप सिंह उम्मीदवार होंगे, तिवतिया से इनेलो के उम्मीदवार आपकी जगह सिरसा से संदीप सिंह होंगे और फरीदाबाद से सुनील तिवतिया इनेलो के उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरसा से संदीप सिंह लोट इनेलो के उम्मीदवार होंगे, फरीदाबाद से सुनील तिवतिया इनेलो के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि सोनीपत से अनूप सिंह को चुनावी मैदान में उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। इनेलो ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जो है इनेलो के तीन उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। बता दें कि फरीदाबाद से सुनील तिवतिया इनेलो के उम्मीदवार होंगे, वहीं सोनीपत से अनूप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर, जहां इनेलो के तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि सिरसा से संदीप सिंह लोट को इनेलो का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि फरीदाबाद से सुनील तिवतिया को इनेलो की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सोनीपत से अनूप सिंह उम्मीदवार होंगे, इनेलो की तरफ से तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है और इस दौरान फरीदाबाद से सुनील तिवतिया पर भरोसा पार्टी की तरफ से जताया गया है। सोनीपत से अनूप सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है, वहीं सिरसा से संदीप सिंह लोट इनेलो के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी बीच इनेलो की तरफ से तीन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बता दें कि इनेलो ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सिरसा से संदीप सिंह लोट को इनेलो की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि फरीदाबाद से सुनील तिवतिया पर दांव खेला गया है। सोनीपत से अनूप सिंह उम्मीदवार होंगे, इनेलो की तरफ से तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं।